आपने मैच तो देख ही लिया होगा, मैच भी क्या देखा होगा आपने, और बहुत सारी दुनिया मैच इसलिए देखना छोड़ गई और पाकिस्तान टीम को इसलिए फॉलो करना छोड़ गई क्योंकि स्टार ही नहीं है। और स्टार कैसे होंगे कि जब इस किस्म की परफॉर्मेंसेस आएंगी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आज पाकिस्तान को सबक सिखाया है, पाकिस्तान को जिसको आप हम पंजाबी में कहते हैं चपेड़े मारी हैं, बकायदा पाकिस्तान को थप्पड़ लपड़ मारे हैं। जॉय रूट और हैरी ब्रुक, उन्होंने मार मार के पाकिस्तान के बॉलर्स का भरकस निकाल दिया है। देख लिया सबने अप्रोच क्या होती है, ये होती है अप्रोच। और हमारी अप्रोच क्या है, घटिया किस्म की अप्रोच। इंग्लैंड ने जिस तरीके से कूट रहे थे वो लोग हमारे फास्ट बॉलर्स को, माजरे के साथ चमाटा मारा है मुंह पे। मैं सोच रहा था कि ये इंग्लिश खिलाड़ी मुल्तान में क्रिकेट खेलने आए हैं या पाकिस्तानी बॉलर्स की बची खुची इज्जत नीलाम करने। पता नहीं कौन सी चीज़ का बदला नहीं आया पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ, वो धुलाई की है, वो फेंटा लगा है पाकिस्तानी बॉलर्स का। और इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि इंग्लिश बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स को सहलाया है, बच्चों की तरह खेला है। इंग्लैंड ने पिटाई नहीं बिल्कुल भाई, यहाँ तक घुसा दिया भाई, यहाँ तक। अब घुसाने के लिए इतना भी स्पेस नहीं बचा भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर के थोड़ा और घुसाया जाए। बॉलर्स की हालत देखे भाई, जुबान इतनी बाहर आ गई है। घर में घुस के पाकिस्तान को 823 रन मार दिए हैं, नंबर वन बॉलिंग लाइनअप क्या लगा दी है, नंबर वन बॉलिंग लाइनअप को पकड़ के घुसा दिया, मेरे शाइन लंगड़े को, मेरे नसीमे को पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के डंडे दे दिया इनके अंदर, नंबर वन 823 रन खा गया, 823 रन। मेरा दिल कह रहा है कि इस बल्ले से अपने सर को पीट लूं, कि मतलब कि इस टीम ने किया तो किया क्या है। आप ये देखिए, बुजदिल कप्तान, बुजदिल मैनेजमेंट, हर कोई बुजदिल, चाहे वो जमाल हो मेरा, चाहे वो अबरार हो मेरा, सबको उन्होंने रगड़ा लगाया। कोई भी हो, एक होता है लपेटना, एक होता है रगड़ा लगाना, इन्होंने आपकी बॉलिंग को रगड़ा लगाया और खत्म। जय हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उसी की धरती में घुसकर बुरी तरह ठोक दिया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझाया है कि पट्टा पिच में किस तरह बैटिंग करी जाती है। दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक कूट पड़ने के बाद पाकिस्तान में बैठे हर कोई लाइव टीवी चैनल में बैठकर फुट फुट कर रोने पर मजबूर हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं और हम आपसे बात करेंगे वीडियो के बाद में। इतनी घटिया क्रिकेट, घंटा पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड ने हमारा। यार ये जो था ना, ये सही मायनों में घंटा था, घंटा। इसको कहते हैं पकड़ के बजाना, इसको पकड़ के बजाना कहते हैं। घर में घुस के पाकिस्तान को 823 रन मार दिए हैं, नंबर वन बॉलिंग लाइनअप क्या लगा दी है, नंबर वन बॉलिंग लाइनअप को पकड़ के घुसा दिया, मेरे शाइन लंगड़े को, मेरे नसीमे को पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के डंडे दे दिया इनके अंदर, नंबर वन 823 रन खा गया, 823 रन। मतलब शर्म हया आती नहीं है, इनसे बातें करवा लो। ओए अब्दुल रसूल, मेरे घंटे का मैच तो देख ही लिया होगा, मैच भी क्या देखा होगा आपने, और बहुत सारी दुनिया मैच इसलिए देखना छोड़ गई और पाकिस्तान टीम को इसलिए फॉलो करना छोड़ गई क्योंकि स्टार ही नहीं है। और स्टार कैसे होंगे कि जब इस किस्म की परफॉर्मेंसेस आएंगी। और लोग कहते हैं कि जब से आप लोग गए हैं क्रिकेट देखने का दिल ही नहीं करता, और इस किस्म की परफॉर्मेंसेज होंगी तो मुझे एक बात बता दें, कौन पैसे दे के पाकिस्तान टीम को देखने आएगा। खुद सोचें, आप ये खुद सोचें कि इस किस्म की परफॉर्मेंस से क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान टीम का ग्राफ ऊपर जाएगा। पाकिस्तान इज एन एवरेज टीम और बैटिंग पाकिस्तान की एवरेज है, तो इसमें कोई बेजा बात नहीं होगी। सख्त बात करता हूं तो लोग कहते हैं यार आप बहुत सख्त बात करते हैं। अच्छा मुझे बताएं फिर क्या बात करें, एवरेज मैनेजमेंट से या एवरेज बोर्ड से एवरेज मैनेजमेंट निकलती है, एवरेज मैनेजमेंट से फिर एवरेज टीम ही आती है। सही बात है। दोस्तों, आपने इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा। दोस्तों, किस तरह पाकिस्तान में बैठे हर कोई इस वक्त फुट फुट कर रोने पर मजबूर हो चुकी है। दोस्तों, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उसी की धरती में घुसकर बुरी तरह ठोक दिया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझाया है कि पट्टा पिच में किस तरह बैटिंग करी जाती है। दोस्तों, चाहे बेन डकट हो, चाहे जैक क्रॉली हो, चाहे जो रूट हो, सबने पाकिस्तानी बॉलर को मार मार के दुमा बनाया। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।